नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। छोटी डंगी तालाब पर भी अवैध कब्जा कर झुग्गी झोपड़ी और पक्का मकान बना कब्जे की होड़ लगी है। कभी जलाशयों और तालाब का निर्माण पुण्य कार्य माना जाता था, लेकिन अब जलाशय पर कब्जे की होड़ लगी है। बढ़ती आबादी से इनका अस्तित्व मिटना शुरू कर दिया। बचे तालाब अवैध कब्जे और अतिक्रमण की चपेट में, प्रशासन भी इन्हें संरक्षित करने को लेकर बेफिक्र है। स्थानीय तहसील के कई गाँव में तालाब अतिक्रमण के चलते सिमटते जा रहे हैं। बरही नगर के पुराना तालाब खसरा नंबर 671/1 और खसरा नंबर 671/6 डंगी का तालाब राजस्व रिकॉर्ड में 52 एकड़ में दर्ज है। इसे काट सट कर किसान की पुश्तैनी व कृषि लगानी जमीन है। इसी यार्ड में तालाब की सरकारी मेड़ पर अवैध कब्जा कर पक्के मकान बना लिए गए। बचे कुचे तालाब की जमीन पर कूड़ा करकट व मिट्टी डालकर इसका अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है। भाजपा नेता व नगर परिषद के 3 पंचवर्षीय के पूर्व पार्षद उत्तम शर्मा द्वारा कई बार अतिक्रमण की शिकायत के बाद भी बरही नगरीय प्रशासन और तहसील प्रशासन अनभिज्ञ बना हुआ। इस पूर्व में किसानों की शिकायत पर नगर प्रशासन एवं तहसील प्रशासन ने इस तालाब से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया था, लेकिन विरोध व कब्जेदारों के अनुनय विनय पर कार्रवाई को टाल दिया गया। तालाबों को बचाने और तालाब की मेड़ में किए गए वैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अपने उत्तरदायित्वों से विमुख है। जल संरक्षण के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन अतिक्रमण से विलुप्त हो रहे और सूख रहे तालाब सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। इसी तरह डंगी के बगल से पुराना तालाब की मेड़ पर पूंजीपतियों द्वारा भी अवैध कब्जा कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पक्का मकान तान दिया गया। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका CR 25291/2021 में हुए आदेश पर स्थानीय प्रशासन भी राजनीतिक दल के लोगों के अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। नगरवासियों ने तहसील प्रशासन को शिकायत कर तालाब से अतिक्रमण हटवाने की मांग की। हाँ, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम समस्त किसान बंधु जो इस रोड को लेकर के और परेशान है, बीच रोड में अतिक्रमण किया गया है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जल क्षेत्र, जल भराव क्षेत्र की तरफ उनका मकान बना हुआ है, जबकि शासन के नियम है कि 30 मीटर छोड़ करके ही नगर पालिका किसी को मंजूरी मकान बनाने के लिए दे सकती है, चाहे उसका वो निजी मकान हो। और ये दुर्भाग्य की बात है कि वो उनके पास कुछ भी नहीं है। एक उसमें जो दो अतिक्रमणकारी हैं, एक अतिक्रमणकारी तो यहाँ सिंघाड़े का काम करता था, आज नगर पालिका पर ही सिंघाड़े के लिए भी नहीं दे रही तालाब, तो फिर तुम काहे रह रहे हो? ये ग्राम कुआं के रहने वाले हैं। और दूसरे जो हैं विनोद मिश्रा जी, विनोद मिश्रा का मकान ऑलरेडी उनका घर परिवार सब छिंदिया टोला में निवासरत हैं। अब ये दूसरा मकान यहाँ पर बनाए हुए हैं अपनी सुविधा बतौर, वो सुविधा वही बता सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे बनाए ये मेरे ख्याल से आप जो अब ये तो ये अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि 10-15 साल, मैं ये मान के चल रहा हूँ 2-4 साल 6 साल पहले की बात है। और 2-4-6 साल पहले वो एक झोपड़ी बना करके यहाँ सब्जी का व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर रहने लगे और धीरे धीरे वो मकान बना डाले। व्यक्तिगत रूप से मिश्रा को मैंने भी बोला था कि तुम असुरक्षित हो, ये जो काम कर रहे हो ठीक नहीं है, रोड के ऊपर बना रहे हो, पूरा रोड अवरुद्ध कर दिया है। अब दो लोगों का हित यदि देखती है शासन प्रशासन, तो यहाँ 200 लोगों का हित हो रहा है। यहाँ किसान भी हैं, यहाँ बसाहट भी है, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मकान बना के रहते हैं। यहाँ बच्चे जो स्कूल सुबह जाते हैं तो वो स्कूल जाने में उनको असुविधा हो रही है, यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकता है। मतलब पर्यावरण की दृष्टि से आप देखें तो जल भराव क्षेत्र की तरफ इनका गंदा पानी बह करके तालाब के अंदर जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नगर पालिका के नज़र में ये बात क्यों नहीं आ रही। मैं तो कलेक्टर महोदय, SDM महोदय, तहसीलदार महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, CMO महोदय, सबसे विनम्र आग्रह करता हूँ, इन किसानों की तरफ से दोनों हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि हम किसानों को राहत प्रदान करें और तत्काल प्रभाव से इनका अतिक्रमण यहाँ से हटाएं। व्यवहारिक बात नहीं होना चाहिए यहाँ। एक्चुअली में काफ़ी दिन से रोड की समस्या तो ही थी किसानों के लिए, और दूसरी चीज़ जो ये आप देख सकते हैं जो अतिक्रमण किया गया है मेड़ के ऊपर, आज सारे किसान कई दिनों से, पूर्व से भी, अभी लगभग 4-6 माह से लगातार अध्यक्ष महोदय से भी अवगत कराते रहे हैं। एक साल हो गया। इसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय जो है किसी प्रकार का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये देख सकते हैं ये पूरी रोड है किसानों के लिए, और ये पूरा आवागमन इनके अतिक्रमण होने के कारण सब पूरी तरह से सब डिसमिस चल रहा है, और ये इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है किसानों के लिए। किसान अपने खेत पर नहीं जा पा रहा।
ट्रैक्टर नहीं जा रहे हैं, बड़ी परेशानी। ट्रैक्टर जा पा रहा है न किसानों के कुछ कार हो पा रहे हैं। सामने दिखा दो कौन कौन लोग हैं जो अतिक्रमण करके रखे और कब से किए हैं अतिक्रमण? यहाँ तीन लोग हैं, एक पंडित जी हैं, कोई एक बर्मन जी हैं, विनोद मिश्रा राम साहब बर्मन। हमने कई बार अध्यक्ष महोदय जी से भी अवगत कराया लेकिन उन्हें ध्यान ही नहीं देते। यदि अतिक्रमण नहीं हटेगा तो क्या करेंगे आप लोग? अनशन करेंगे। कौन कौन लोग है जो अतिक्रमण करके रखे यहाँ पे? विनोद मिश्रा, राम सहाय वर्मन और बुद्धू कचेर। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से यही मांग है कि रोड रास्ता दी जाए, क्योंकि यहाँ मकान भी बने हुए हैं कम से कम 50 लोगों की, कृषक वाले भी हैं बहुत किसान, 200 किसान हैं, है ना, उस सबकी रास्ता बंद है। कब से अतिक्रमण है यहाँ पे? कम से कम 15 वर्षों से। 15 वर्षों से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर तालाब की मेड़ पर अतिक्रमण पाया गया है, लेकिन अभी भी अतिक्रमण नहीं हटा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मालूम नगर पंचायत किस दबाव में है, प्रशासन किस दबाव में है, अपन के तो नहीं मालूम, लेकिन आदेश तो कलेक्टर का भी हो चुका है पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम आपका? इसी वजह से सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए कि इसको हटवाया जाए। अच्छा, कौन करवा रहे हैं यहाँ अतिक्रमण? मौके में आ जाए भाई, ये लोग पहले बना लिए मेड़ में, झोपड़ी बनाए, उसके बाद मकान बना लिए, है ना, ये नगर पंचायत काम है कि मतलब शासन प्रशासन को हटवाना चाहिए। इसमें क्या है, ये काफी पुराना है, पिछले 15-20 सालों से ये लोग मड़े उड़िया बना कर रहते हैं, ऐसा हमारे संज्ञान में आया था। चूंकि यहाँ पे करीबन 50 किसान है, इनको आने जाने का रास्ता अवरुद्ध है, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था, मौके रूप से उनको बोला था और माननीय तहसीलदार साहब से भी निवेदन किया था, तो तहसीलदार साहब ने आके मौके में देखा है और हमारी वहाँ पे 20 फुट चौड़ी रोड हम लोगों को बनाने का है, तो उसको ही बना रहे हैं और बाकी कानूनी कार्रवाई माननीय तहसीलदार साहब करेंगे, जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। किसानों का आरोप है कि कई बार आवेदन दिया गया नगर परिषद में लेकिन आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं तो पिछले 1.5 साल से अध्यक्ष हूँ, उसके पहले किसको आवेदन दिया गया मेरे संज्ञान में नहीं। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जो जगह अतिक्रमण के लिए चिन्हित किए गए थे उन पर कब तक अतिक्रमण हटाया? उसमें माननीय जो भी हमारे अधिकारी तहसीलदार SDM साहब महोदय वो जो आदेश करेंगे, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, वो होगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट।